हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स आई एम डॉक्टर शालिनी शुक्ला एंड इन टूडेज डिस्कशन वी आर गोइंग टू कवर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स तो इस लेक्चर में हम बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज या फाइलिंग सिस्टम पर ज़्यादा फोकस नहीं होगा जैसा कि रिसेंटली हमने न्यूज़ में भी डिस्कस किया है कि एस कलेक्शन सेप्टेम्बर के मंथ में अपने बजट का टारगेट अचीव कर चुका तो रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट न्यूज़ में क्या डिस्कस किया था हमने बेसिकली न्यूज़ में ये डिस्कस किया था कि जो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कलेक्शन हुआ है सेप्टेंबर के मंथ में वो जो इस फाइनेंशियल ईयर का बजट था उस बजट को क्रॉस कर चुका है बेसिकली सेप्टेंबर सिक्सटीन तक यानी क्वार्टर टू के खत्म होते होते सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स कलेक्शन हैज़ इंक्रीज और स्टूड अप टू ट्वेल्व थाउजेंड करोड़ एंड एज़ कम्पेयर टू द बजट टारगेट ऑफ ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड करोड़ तो बेसिकली पचास परसेंट का इंक्रीज देखा गया है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के कलेक्शन में और हमने न्यूज एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि बिकॉज ऑफ द बूम इन स्टॉक मार्केट एंड इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन रिटेल पार्टिसिपेशन पैंडमिक के पीरियड में इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से जो ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स है इसका कलेक्शन भी इंक्रीज़ हुआ है तो ये बेसिक न्यूज़ थी तो इस कंटेक्स में हमने कवर भी किया था कि जो कंपैरिजन किया था कि कॉरपोरेशन टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स के कंपैरिजन में एस कितना बढ़ा है और लास्ट थ्री इयर्स का भी डेटा हमने डिस्कस किया था ऐसा नहीं कि सिर्फ पैंडमिक प्री पैंडमिक ईयर की वजह से या लो बेस इफेक्ट की वजह से हमें ये इम्पैक्ट देखने को मिला है अगर हम देखें प्री पैंडमिक से कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में भी हमें एस कलेक्शन में इंक्रीज देखने को मिल रहा तो इसका सीधा इम्पैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि लो बेस इफेक्ट है कि पिछले साल पैंडमिक था उसकी वजह से सिक्योरिटी टैक्स कलेक्शन लो हुआ और इस साल हमें इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है जैसा कि हमें मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक डेटा में लो बेस का इफेक्ट दिखता है बट इन केस ऑफ सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन एक्ट प्री पैंडमिक ईयर के कंपैरिजन में भी अगर हम देखें तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है तो बेसिकली कुछ बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में जैसे कि अगर आगे कोई न्यूज़ आती है तो यू कैन ईजिली कॉम्प्रिहेंड दिस टैक्स वॉज इंट्रोड्यूज इन फाइनेंशियल ईयर टू इन यूनियन बजट एंड केम इन अफेक्ट फ्रॉम फोर तो so, 2004 में ये टैक्स लाया गया था ये टैक्स रेजिंग इंप्लीमेंट हुआ था अक्टूबर 2004 में एस टी टी इज़ बेसिकली गवर्न बाई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स एक्ट दैट वी ऑल कॉल्ड एज एस टी टी एक्ट सो बेसिकली दिस एक्ट स्पेसिफिकली लिस्टेड डाउन द वेरियस टैक्सेबल सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन तो कौन कौन से सिक्योरिटीज़ जैसे कि शेयर्स हो गए इक्विटी शेयर्स हो गए डेरिवेटिव्स हो गए यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स इस इस तरह की कितनी भी सिक्योरिटी को जो आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पर आप एस पे करेंगे तो इन शॉर्ट ये टैक्स कब एप्लीकेबल होता है ये टैक्स एप्लीकेबल होता है जब हम किसी भी आर में सिक्योरिटी का ट्रांजेक्शन करते हैं चाहे हम वो खरीद रहे हों या हम वो सिक्योरिटी बेच रहे हों एंड दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑल्सो इंक्लूड द अनलिस्टेड शेयर्स ये भूलेंगे नहीं अनलिस्टेड शेयर्स सोल्ड अंडर एन ऑफर फॉर सेल टू पब्लिक इंक्लूडेड इन आई पी ओ वेयर सच शेयर्स आर सबसिक्वेंटली लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंजेस तो इवन आई पी ओ के तहत भी अगर आप शेयर्स खरीद रहे हैं तो उस पर भी एस टी टी अट्रैक्ट होगी क्योंकि एक वाइट ऑपियस होता है कि दे आर सब्सिक्वेंटली गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन अ आर एस सी और बहुत सिंपल सा फंडा है एस टी टी इज़ द अमाउंट कैसे लगता है एस टी टी इज द अमाउंट पेड ओवर एंड अबव द ट्रांजेक्शन वैल्यू जितनी ट्रांजेक्शन वैल्यू है बाइंग वैल्यू है या सेलिंग वैल्यू है उस पर सीधा सीधा एस टी टी लगता है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज थोड़ा सा वेरी करता है बिटवीन द सिक्योरिटीज़ बट परसेंटेज के टर्म्स में लगाया जाता है जितना ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है डेफिनेटली अगर ट्रांजेक्शन वैल्यू पर लग रहा है तो ये ट्रांजेक्शन की वैल्यू को इंक्रीज भी करता है तो जो बेसिक ट्रांजेक्शन वैल्यू होती है उस पर एस लगकर किसी भी सिक्योरिटी की जो ट्रांजेक्शन वैल्यू है वो चाहे बाइंग के केस में के या सेलिंग के केस से में इंक्रीज हो जाती है एस टी टी इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंट्राडे ट्रांजेक्शन तो इंट्राडे ट्रांजेक्शन जो सिक्योरिटीज़ के होते हैं उन पर भी एस टी अट्रैक्ट होता है बट डेफिनेटली सेलिंग और बाइंग के समय क्योंकि अमाउंट जो सिक्योरिटी की वैल्यू होगी वो भी वेरी करेगी तो इस वजह से जो टैक्स एप्लीकेबल होगा एस टी एप्लीकेबल होगा वो भी वैल्यू वो वैल्यू भी वेरी करेगी इंट्राडे ट्रांजेक्शन केस में तो अब पर्पज़ क्या था 2004 में जो ये टैक्स लाया गया एस टी टैक्स बेसिकली तब हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और मिस्टर पी चितम चिदम्बरम साहब हमारे फिनंस मिनिस्टर थे तो क्या पर्पज था बेसिकली अगर आप देखें अगर टैक्स का स्ट्रक्चर आप देखें तो बहुत ही एक इनसिग्निफिकेंट अमाउंट के टैक्स लगते हैं ज़ीरो परसेंटेज में टैक्स एप्लीकेबल होता है तो आप ये भी कह सकते हैं कि मैम तो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है ये क्यों क्योंकि जब इतना इनसिग्निफिकेंट अमाउंट है तो क्यों लगाया गया तो जो तो बेसिक ऑब्जेक्टिव था सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन के टैक्स के पीछे वो सिंपल ये था कि जो टैक्स इवेजन है उसको मिटिगेट करना उसको रिमूव करना उसको कंट्रोल करना क्यों कि मोस्ट ऑफ़ द केसेस में ऐसा होता था कि जनरली हम रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करें तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते थे दे वर नॉट अवेयर अबाउट द निटीगिटी ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज कौन सा टैक्स लगता है कितना कैपिटल गेन होता है कितना सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन तो कई बार वो अपने जो इनको शेयर्स की परचेज से शेयर्स की बाइंग से जो भी प्रॉफिट uh, होता था वो अनडिक्लेयर जाता था मे बी इंटेंशनली मे बी अन इंटेंशनली वो डिक्लेयर नहीं होता था एज अ इनकम तो उसी टैक्स को अवॉइड टैक्स अवॉइडेंस को रोकने के लिए अनडिक्लेरेशन को रोकने के लिए ये एस लाया गया था 2004 में और ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि दिस इज सेम एज टैक्स एट सोर्स तो जो सोर्स पर जितने भी टैक्स लगते हैं एस के अलावा ऐसे और कौन कौन से टैक्स हैं जो एट सोर्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में लेकर बताइएगा तो एस भी उसी तरह का टैक्स है जो कि सोर्स पर ही डिडक्ट कर लिया जाएगा जैसे ही आपने कोई सिक्योरिटी खरीदी या बेची तुरंत उस पर एस टी अट्रैक्ट होगा और उसका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास चला जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स इज वेरी लो वेरी नेग्लिजिबल इनसिग्निफिकेंट बट यस, गवर्नमेंट के पास ट्रैकिंग रहती है कि किस इंडिविजुअल की कितनी इनकम हुई सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन से शेयर ट्रांजेक्शन से तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन इज अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टैक्स दैट इज सिमिलर टू टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सोर्स पर ही इसको डिडक्ट कर लिया जाएगा वर यू आर बाइंग इट और सेलिंग इट इट इज वन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन एवरी परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया हालांकि अब अनरिकोगनाइज स्टॉक एक्सचेंजेस है नहीं स्टॉक एक्सचेंजेस हाईली रेगुलेटेड बट यस yes, फिर भी आर एस सी जितने भी हैं उन्हीं के तहत जो ट्रांजेक्शन आप खरीदेंगे बेचेंगे उस पर आपको एस टी टी पे करना है दीज आर द सिक्योरिटीज़ दैट आर लाइबल फॉर एस टी टी शेयर स्क्रिप्ट स्टॉक बॉन्ड डिबेंचर डिबेंचर स्टॉक्स अदर मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऑफ अ लाइक नेचर इन और एनी अदर इन कॉर्पोरेटेड कंपनी और एनी अदर बॉडी डेरेवेटिव यूनिट्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट इशूड बाई कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम टू द इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इक्विटी ओरिएटेड यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंडस राइट और इंटरेस्ट इन सिक्योरिटीज सिक्योरिटाइज डेथ इंस्ट्रूमेंट्स हालाँकि इन सब पर जो भी एस टी टी लगता है दैट इज़ वेरीड अलग अलग तरह का अलग अलग अमाउंट का टैक्स एस टी टी टैक्स इन पर अप्लाई होता है ले भी किया जाता है बट हाँ ये सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं दे ऑल कम अंडर द परव्यू ऑफ एस टी अब क्वेश्चन ये उठता है कि कौन सी ऐसे सिक्योरिटीज़ हैं कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बेसिकली एस टी अट्रैक्ट नहीं करते तो अगर हम बात करें इन सिंपल टर्म में तो करेंसी और कमोडिटी ये दो सिक्योरिटीज़ हैं जो कि एस टी अट्रैक्ट नहीं करती इन पर एक सेपरेट टैक्स लगता है दैट इज़ कॉल्ड एज कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स फिलहाल कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स के बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे तो ये सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं इन पर एस अट्रैक्ट होता है एंड सिक्योरिटीज़ इंक्लूड ऑल ऑफ द एब फॉर द पर्पज ऑफ एस टी टी ले दैट आर ट्रेडेड ऑन रिकॉगनाइज स्टॉक एक्सचेंज आर एस सी यहाँ पर एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको याद करने की जरूरत है ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ एस ऑफ मार्केट जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सिक्योरिटीज के डेफिनेटली उनका ट्रैक उनको ट्रैक करना इज नॉट पॉसिबल दैट इज़ वाई दे डू नॉट अट्रैक द एस अब ट्रीटमेंट कैसे होता है बहुत ज्यादा इसको फिर भी हम डिटेल में नहीं जाएंगे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एस का ट्रीटमेंट या कैसे कैसे ये अप्लाई होती है कैसे ये डिडक्ट होती है किस पर ये एग्जेम्ट होता है एस तो बेसिकली स्टॉक में दो तरह के एक मेजर मेजर टैक्स होते हैं हम ये कह सकते हैं एक होता है प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन और एक होता है कैपिटल गेन टैक्स अगर आप पी कर रहे हैं पी जी अगर आप रूटीन बेसिस में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं रूटीन बेसिस में मतलब आपने स्टॉक खरीदे एक दिन और अगले दिन उसको बेच दिया तो रूटीन स्टॉक आप कर रहे हैं स्टॉक की ट्रेडिंग कर रहे हैं रूटीन बेसिस पे खरीद रहे हैं बेच रहे हैं शॉर्ट टर्म में दैट इज कॉल्ड एज जी बी पी प्रॉफिट एंड गेंस फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन तो इस पर्टिकुलर केस में इफ यू आर अ ट्रेडर एंड यूजिंग दिस पर्टिकुलर रूटीन ट्रेडिंग और यू आर यूजिंग स्टॉक्स और शेयर्स फॉर जनरेटिंग द प्रॉफिट एंड गेंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम रूटीन बेस पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली

securities as a stock or routine trading basis it means you are using it as investment purpose if you are a common layman और आप इस investment purpose के लिए किसी stock या securities को या shares को खरीद रहे हैं that will attract the capital gain तो यहाँ पर एक छोटा सा trick है मैं clause की या sections की बात नहीं करूँगी अगर आपने long term capital gain tax आप और एप्लीकेबल है बट आपने उस पर एस टी टी ऑलरेडी पे कर दिया है इन दैट केस यू विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है आप उससे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे अगर आपने कोई ऐसे सिक्योरिटी में ट्रांजेक्शन किया है जिस पर आपने ऑलरेडी एस टी टी पे किया है और अगर आपने आप शॉर्ट टर्म कर रहे हैं ट्रांजेक्शन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है इन दैट केस फ्लैट एस टी टी रेट्स लगता है जनरली फ़िफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट तक वेरी करता है तो कैपिटल गेन के केस में दो सीन है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो अब यहाँ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं इन जनरल सेंस ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने कोई सिक्योरिटी छत्तीस महीने से कम रखी है थर्टी सिक्स मंथ या उससे कम रखी है तो उस पर जो गेन होगा दैट विल बी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और अगर 36 सिक्स मंथ से ज्यादा आपने कोई सिक्योरिटी रखी है डेफिनेटली फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज तो उस पर जो गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ने अगर उस सिक्योरिटी पे आपने ऑलरेडी एस टी पे कर दिया है तो डेफिनेटली आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स उस पर एग्जेप्ट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में फ्लैट फ्लैट एस टी टी एप्लीकेबल होता है जो कि सीधे सीधे डिडक्ट हो जाता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन हालांकि ये जो 36 मंथ वाला जो रूल है दैट इज दैट हैव सम एग्जन कुछ केस में थोड़ा सा एग्जम्पन है जैसे कि फॉर लिस्टेड इक्विटी शेयर की सिक्योरिटी के लिए चौबीस महीने का भी टाइम पीरियड है ओवरऑल इन जनरल हम 36 सिक्स मंथ लेकर चलते हैं कि अगर 36 सिक्स मंथ से कम आपने कोई सिक्योरिटी होल्ड करी है तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होता है अदरवाइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो अगर आप पीजीएफ पी जी बी पी में इन्वॉल्व है इन दैट केस योर एस टी टी विल रिड्यूस फ्रॉम सेलिंग प्राइस एंड विल बी एड टू टू प्राइस। इफ यू आर यूजिंग शेयर्स एज अ इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज फॉर सो लॉन्ग टर्म कैपिटल पर एस टी टी अगर आपने पे किया तो यू विल बी एक्जेम्टे फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म में इट विल बी अ फ्लैट एस टी टी रेट दैट विल बी एप्लीकेबल तो बेसिक ये ट्रीटमेंट होता है बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग वॉट इज एस टी टी और क्यों एससी टी इंक्रीज हुआ सिंपल रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है रिसेंट टाइम में बिकॉज ऑफ द बूम इन स्टॉक मार्केट पैंडमिक में मैं कई बार डिस्कस भी किया कि पैंडेमिक में भी स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इवन कई सारे एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि दिस इज जस्ट लाइक अ बबल एंड वंस दिस बबल विल ब्लास्ट देयर विल बी द ह्यूज लॉस टू तो इन्वेस्टर ऑल फिलहाल ओवरऑल still market is touching the records and because of this stt tax collection is increasing so all these are the references if you want lecture pdf you can join my telegram channel you can also follow me on other social media platforms if you have any query and suggestion please write in the comment section below like share and subscribe thank you